स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर के ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर में एक बार फिर आप लोग के बीच एक वीडियो लेकर आया हूं। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिकल कोरोना इफेक्ट क्या है, कौन कौन से इसके फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रिकल कोरोना इफेक्ट को प्रभावित करते हैं। फिर इसके बाद हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि कोरोना इफेक्ट के कौन कौन से मेथड हैं जो इसको कम कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट कि कोरोना इफेक्ट के कौन कौन से एडवांटेजेस है, कौन कौन से डिसएडवांटेजेस है। तो आपके बीच आइए हम पढ़ते हैं कि कोरोना इफेक्ट क्या है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन है उसमें बहुत मैक्सिमम अमाउंट में वोल्टेज ट्रांसमिट किया जाता है। ठीक है, बहुत मैक्सिमम अमाउंट में वोल्टेज ट्रांसमिट किया जाता है। तो ड्यू टू मैक्सिमम वोल्टेज, जो मैक्सिमम वोल्टेज के कारण क्या होता है स्टूडेंट, कि जो कंडक्टर होता है अपने आसपास के क्षेत्र में, अपने आसपास आजू बाजू के क्षेत्र में क्या करता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्रिएट करता है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वजह से क्या होता है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट की कंडीशन प्रोड्यूस होती है। स्टूडेंट, एक ये बात आ रही है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, तो आइए हम बता रहे हैं कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है। वोल्टेज चेंज विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, उसी को हम बोलते हैं वोल्टेज जो चेंज होता है विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, उसी को हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। आइए हम एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है। स्टूडेंट, एग्जांपल के तौर पे मैंने एक लिया, एक मान लिया कि एक कंडक्टर है। क्या मान लिया हमने? एक मान लिया कि कंडक्टर है। इस कंडक्टर में 400 केवी वोल्टेज ट्रांसमिट हो रहा है। 400 केवी वोल्टेज ट्रांसमिट हो रहा है मींस कि 400 वोल्टेज इस कंडक्टर में प्रेजेंट है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की कंडीशन में क्या होगा स्टूडेंट, कि ड्यू टू हाई वोल्टेज के कारण क्या होगा कि इसका इफेक्ट कुछ दूरी पे होगा। मींस क्या होगा कि कुछ वोल्टेज कुछ दूरी पे होगा। जैसे सपोज करते हैं कि 300 के भी वोल्टेज यहां भी होगा और इसके बाद कुछ और दूरी पे जाएंगे तो 200 के भी वोल्ट होगा, इसके कुछ दूरी पे जाएंगे तो 100 वोल्ट के भी होगा। मींस क्या होगा कि जैसे जैसे कंडक्टर से दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वोल्टेज में क्या होगा, परिवर्तन होगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। और पोटेंशियल ग्रेडियंट किस कारण से होता है, ड्यू टू हाई वोल्टेज से होता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि कंडक्टर के आजू बाजू की जो एयर होती है, मींस की जो हमारे कंडक्टर होते हैं वो इंसुलेटर के थ्रू क्या होते हैं, हवा में लटके रहते हैं। जो कंडक्टर के पास एयर है वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम की तरह काम करती है। अब जो एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है वो नॉर्मल टेम्परेचर और नॉर्मल प्रेशर पे 30 केवी पर सेंटीमीटर होता है। मींस जो हमारी एयर है उसके अंदर 1 सेंटीमीटर के अंदर अगर 30 केवी से ज्यादा वोल्टेज पास होता है तो वो आयोनाइज हो जाएगी और उसके अंदर से करंट फ्लो होने लगेगी। ठीक है, अब उस करंट को क्या, करंट फ्लो होने की वजह से क्या कहेंगे कि एयर क्या हो गया, आयोनाइज हो गया, और उसी एयर को, उसी आयोनाइज को ब्रेक डाउन कहते हैं। तो जो एयर ब्रेक डाउन हो गया है, ब्रेक डाउन की वजह से हीसिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। जब भी एयर का आयोनाइजेशन होता है तो कंडक्टर में क्या होता है,
वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है, ठीक है स्टूडेंट। और वाइब्रेशन प्रोड्यूस होने के बाद क्या होता है कि कंडक्टर में वायलेट कलर का जो वायलेट कलर होती है, इट मीन्स क्या होता है कि जो बैगनी कलर का जो लाइट प्रोड्यूस होता है उसे कोरोना प्रभाव कहते हैं स्टूडेंट। कोरोना प्रभाव में होता क्या है कि जो वायलेट कलर की लाइट है वही प्रोड्यूस होती है, उसी को हम क्या करते हैं कोरोना कहते हैं, ठीक है। उसके कुछ कंडीशन है स्टूडेंट, लेकिन जो वायलेट कलर की लाइट होती है वो हमेशा देखने के लिए नहीं मिलता है, उसके कुछ क्या होती है कंडीशन है। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड होता है तो कोरोना इफेक्ट होता है। जैसे कि पहला उसकी कंडीशन है डिसरप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज, डिसरप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज एयर को आयोनाइजेशन होने के लिए कम से कम वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं डिसरप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज बोलते हैं। अब सेकेंड होता है स्टूडेंट विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज। विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज क्या होता है कि मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर तो कोरोना ग्लो, मिनिमम वोल्टेज जो होती है जो कोरोना को ग्लो होने के लिए जरूरत होती है उसी को हम बोलते हैं विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज, ठीक है स्टूडेंट। अब हम जैसे कि जानते हैं कि जब भी एयर का आयोनाइजेशन होता है तो एयर के अंदर बहुत ज्यादा करेंट फ्लो होता है, बहुत ज्यादा करेंट फ्लो होता है, जिससे क्या होता है कि डार्क वायलेट कलर की लाइट क्या होती है प्रोड्यूस होता है, और जिसे एक टाइप का हम लोग कोरोना लॉस बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग कोरोना लॉस। कोरोना लॉस के कौन कौन से फैक्टर है, इसमें पहला फैक्टर है एटमोस्फेरिक कंडीशन। पहला क्या है स्टूडेंट एटमोस्फेरिक कंडीशन। एटमोस्फेरिक कंडीशन में क्या होता है कि रेनिंग कंडीशन होती है, जो बारिश का सीजन होता है उसमें कोरोना लॉस ज्यादा होने की पॉसिबिलिटी होती है। क्यों होती है स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बारिश के समय जो एयर होती है एयर में वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं प्रेजेंट हो जाते हैं, एयर में वाटर मॉलिक्यूल क्या होते हैं प्रेजेंट हो जाते हैं। इस वजह से क्या होता है कि रेनी सीजन में क्या होता है कोरोना इफेक्ट बढ़ने की पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है लाइन वोल्टेज। अगर लाइन वोल्टेज को हम लोग इंक्रीज करेंगे वैसे ही कोरोना जो हमारी लॉस है वो भी बढ़ेगी, ठीक है। लाइन वोल्टेज बढ़ने की वजह से हमारा कोरोना लॉस भी बढ़ेगा। अब थर्ड क्या है नेचर ऑफ कंडक्टर सरफेस। थर्ड क्या है नेचर ऑफ कंडक्टर सरफेस। अगर हम गोल कंडक्टर लेते हैं तो उसमें कोरोना लॉस कम होता है, ठीक है, कोरोना लॉस कम होता है। अगर ऊपर खाबड़ एरिया वाला ऊपर खाबड़ सरफेस वाला अगर हम कंडक्टर लेते हैं तो उसमें कोरोना लॉस ज्यादा होने की पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। तो जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन है उसमें क्या करते हैं स्टूडेंट ACSR कंडक्टर यूज करते हैं, क्योंकि मजबूत और फ्लेक्सिबल भी होता है, ठीक है। जो ACSR कंडक्टर होता है वो मजबूत और फ्लेक्सिबल भी होता है, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट क्या है इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ साथ हमारा कोरोना लॉस भी बढ़ता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ एयर कंडक्टिविटी। जैसे कि फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ कोरोना लॉस में पहला पॉइंट जो हमने बताया कि एटमोस्फेरिक कंडीशन। एटमोस्फेरिक कंडीशन में स्टूडेंट क्या होता है कि रेनी सीजन में क्या होता है कि एयर में जो हमारे वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो प्रेजेंट हो जाते हैं। उसके प्रेजेंट होने के कारण से क्या होता है कि जो एयर की कंडक्टिविटी होती है, इट मींस क्या होते हैं कि जो एयर की कंडक्टिविटी यानी करंट होने की एबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है स्टूडेंट, इंक्रीज हो जाती है, उसी को इफेक्ट ऑफ एयर कंडक्टिविटी बोलते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे स्टूडेंट मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग ऑफ कोरोना लॉस, ठीक है सर। तो इसमें क्या है कि दो कंडक्टरों के बीच की जो स्पेसिंग है उसको अगर बढ़ा देंगे तो हमारा कोरोना लॉस क्या होता है कम हो जाता है, या हम क्या करते हैं कि कंडक्टर की जो डायामीटर होती है उसको बढ़ा देने से क्या होता है कोरोना लॉस कम हो जाते हैं, ठीक है। अगला है कि ऑपरेटिंग वोल्टेज डिक्रीज। जो ऑपरेटिंग वोल्टेज हमारा होता है उसको कम कर देने से क्या होता है कि हमारा कोरोना लॉस कम हो जाता है।
नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है कि कोरोना जो रिंग होती है उसको करने से, जब स्टूडेंट आप ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में देखे होंगे कि कंडक्टर के पास और इंसुलेटर के पास, इंसुलेटर और कंडक्टर के पास एक कोरोना रिंग होगी, ऐसी रिंग जैसी होगी, ऐसी रिंग जैसी बनी होगी। स्टूडेंट इस रिंग का काम क्या होता है, इस रिंग का काम यही होता है कि जो हमारे कोरोना लॉस हुए उसको रिड्यूस करना है, ठीक है। इसके बाद है यूजिंग बंडल कंडक्टर, जो बंडल कंडक्टर होता है, बंडल कंडक्टर को यूज करने से हमारा कोरोना लॉस क्या होता है, कम हो जाता है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ कोरोना लॉस, जो कोरोना इफेक्ट है उसकी क्या क्या एडवांटेज है। तो पहला एडवांटेज है कि ट्रांजिएंट इफेक्ट रिड्यूसेस, जो ट्रांजिएंट इफेक्ट होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब दूसरा होता है कि नो फ्लैश ओवर, जो फ्लैश ओवर होता है जो इंसुलेटर के पास में फ्लैश ओवर होता है उसकी क्या होती, पॉसिबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। अब थर्ड होता है कि जो ट्रांजिएंट होता है लाइटनिंग के द्वारा वो भी नहीं होता है। इसके बाद क्या होता है कि मैक्सिमम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेंथ होता है वो भी कम हो जाता है, जो मैक्सिमम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस वो भी कम हो जाता है। इसके बाद हम स्टूडेंट पढ़ेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ कोरोना लॉस, कोरोना लॉस के डिसएडवांटेजेस क्या है। तो पहला है कि इससे क्या होता है, पावर लॉस होता है, कोरोना लॉस में हमेशा क्या होता है कि हमारा पावर लॉस होता है। इसके बाद क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उसकी एफिशिएंसी भी क्या होती है, लॉस हो जाती है, कम हो जाती है। इसके बाद क्या होता है कि जब हम जानते हैं कि हमारा जब हिसिंग साउंड प्रोड्यूस होता है और वायलेट कलर की जो लाइट होती है उस समय स्टूडेंट क्या होता है कि ओजोन गैस प्रोड्यूस होती है, ओजोन गैस प्रोड्यूस होती है। अब सभी लोग जानते हैं कि ओजोन गैस हमेशा एसिड क्रिएट करती है, क्या करती है, एसिड क्रिएट करती है, और वो एसिड क्या होता है कि कंडक्टर पे जाकर चिपक जाता है, कंडक्टर के ऊपर क्या होता है, चिपक जाता है। उसके चिपकने से क्या होता है कि कंडक्टर पर करोजन का खतरा हो जाता है, करोजन लगना शुरू हो जाता है, जिससे क्या होता है कि कंडक्टर की जो लाइफ होती है वो बहुत ही कम हो जाती है और क्या होता है कि लॉसेस बढ़ने की चांसेस हो जाती है, क्योंकि उसकी जो सरफेस होती है, कंडक्टर की जो सरफेस होता है वो उबड़ खाबड़ हो जाता है जंग लगने की वजह से। इसके बाद है स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट है कि थर्ड हार्मोनिक्स जो होती है, कोरोना प्रोड्यूसेस थर्ड हार्मोनिक्स प्रोड्यूस होने के कारण से क्या होता है कि जो सिस्टम की स्टेबिलिटी होती है उस पर इफेक्ट पड़ता है और रेडियो इंटरफेरेंस करता है। मींस क्या होता है स्टूडेंट की रेडियो इंटरफेरेंस क्या होता है कि उसमें क्या होता है कि जो रेडियो सिग्नल होते हैं, रेडियो सिग्नल क्या होते हैं कि वो आपस में क्या होते हैं, उनको मैच करता है, उनको मैच करने से क्या होता है स्टूडेंट कि इसकी जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, इस वजह से जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उस सिग्नल पे क्या इफेक्ट डालता है, उसके प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है सर। तो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो एक बार सब्सक्राइब करने से ना भूले और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें जिससे हमारी वीडियो की अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल।